नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू कविता दास रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं केक की रेसिपी, जो मैं आपको हर टिप्स बताऊंगी। जो आपके पास नहीं होगा ना, तो आप उसका कौन सी जुगाड़ लगा सकते हैं और आपकी केक भी इतनी अच्छी और स्पंजी जालीदार बनेगी। और ये देखिए कितनी अच्छी और जालीदार बनी है। आप प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो मैं एक कप दूध ले लिया हूँ, या फिर कटोरी, आप कौन सा भी मेजरमेंट कीजिए। और आपके पास अगर सिरका नहीं है तो 1 चम्मच नींबू का रस डाल दीजिए और उसको अच्छे से दूध में मिला लीजिए। दूध रूम टेम्परेचर का होगा ना, ज़्यादा ठंडा ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए। तो अच्छे से मिला लेंगे। मिला के उसको साइड में अभी मैं रख दूँगी। इसके बाद एक बाउल ले लिया हूँ और उसमें एक केला केला लिया हूँ मैं। अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है, चॉकलेट नहीं है, तो आज केले से हम बनाएंगे केक। केला को अच्छे से एक काटा चम्मच ले लीजिए और उसको अच्छे से मैश कर लीजिए। और ऐसे देखिए, ऐसे मैश कर लीजिएगा। केला से भी बहुत टेस्टी बनती है केक, और आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सारे केला को मैश करके मैं साइड में रख दिया हूँ। और अगर आपके ओवन नहीं है तो एक पुराना कढ़ाई लीजिए और उसके अंदर एक स्टैंड रख दीजिए। स्टैंड नहीं है तो एक कटोरी उल्टा करके रख दीजिए और ढक्कन लगा दीजिए। और आपके पास केक ट्री नहीं है तो एक भगोना या फिर कुछ भी इसको बोल सकते हैं, और इसको ले लीजिए। आपके पास स्टील होगा तो भी चलेगा। थोड़ा सा तेल उसके अंदर चारों ओर लगा लीजिए, और अगर बटर पेपर नहीं है तो ऐसे मैदा उसको ऊपर छिड़क लीजिए और चारों ओर कर लीजिए। और बस हमारा ट्रे भी रेडी हो गई। तो उसको साइड में रख के अभी केक की बैटर बनाते हैं। तो मैं केला के अंदर 1/4 कप तेल डाल दिया हूँ और उसको अच्छे से मैं मिला लूँगी। अभी आप अच्छे से मिलाना फेंटना अच्छे से, क्योंकि केले के अंदर वो तेल जो है ना, अच्छे से मिलना चाहिए। अब मैं अभी आपको भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छे से हमारा केला से तेल मिल गया है। हाँ, अगर आपके पास शक्कर का जो बुराबा होता है, या फिर पीटी शक्कर, या फिर कुछ मतलब शक्कर का पाउडर जो रहता है वो नहीं है, तो आप अभी 1/2 कप मैंने सब शक्कर लिया हूँ और उसमें मैं अच्छे से मिला लूँगी। शक्कर और केला और तेल तीनों को अच्छे से हम लोग मिला लेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये पीटी शक्कर नहीं है ना, जल्दी होने नहीं होगा। तो शक्कर घुलने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप धीरज रखिए, अच्छे से मिल जाएगा। अभी इसके ऊपर एक छन्नी रख दिया हूँ और 2 कटोरी या फिर 2 कप मैदा ले लिया हूँ और 1/2 कप दूध पाउडर ले लिया हूँ। 1/2 चम्मच में बेकिंग सोडा ले लिया हूँ और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। ये आप ध्यान से रखिए, मतलब 1/2 चम्मच हम लोग अगर सोडा लेंगे, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लेंगे और उसको अच्छे से मिला लेंगे। अगर दूध पाउडर नहीं है तो भी चलेगा, ऐसे बना सकते हैं आप। और बस अभी सारे चीज़ को हम लोग छान लेंगे। छानने से क्या होता है, हमारा गुठलिया नहीं पड़ता है। और ये देखिए मैंने सारे चीज़ को छान लिया हूँ। बस अभी क्या करेंगे, वो जो दूध था ना, उसको फट गया है, अभी उसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्सर को अच्छे से मिक्स करेंगे। दूध एक साथ पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। मैं चम्मच से मिला रही थी, चम्मच से नहीं हुआ तो अभी मैं स्पैटुला से मिलाऊंगी। और थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और थोड़ा बैटर अच्छे से मिला लेंगे।
लेकिन ये जो प्रोसेस है जल्दी से करना है, लेकिन मतलब हाई स्पीड से नहीं, हाँ धीमी हाथ से ही करना। खाली हम लोग हमारा जो बैटर है अच्छे से मिलना चाहिए। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी दूध डालेंगे और बैटर हमारा बन के रेडी हो गई है। देखिए मैं इधर ना 2 कप मैदा लिया हूँ, आप चाहे तो 1 कप मैदा और 1 कप जो आटा रहता है नॉर्मल आटा वो भी ले सकते हैं, नहीं तो 2 कप आटा भी ले सकते हैं, उससे भी बहुत टेस्टी बनती है। आपको जो पसंद है वो आप ले सकते हैं। अभी हमारा बैटर बन के रेडी हो गई, तो मैं चलिए इसको ना वो बोल में डाल देते हैं। सारे बैटर को बोल में डाल दूँगी मैं अभी। बॉल में डालने के बाद थोड़ा सा हल्का सा अभी टैप कर देंगे, क्योंकि अंदर से सब अच्छे से रह जाए। और इसके बाद ढक्कन खोल के कढ़ाई में वो बॉल रख देंगे। अभी ध्यान से रखिएगा क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म होगा। इसको अभी हम लोग 25 से 30 मिनट तक बेक करेंगे। अगर आपको लगता है कि मतलब खोल के बीच में देख लीजिएगा, अगर लगता है जल्दी हो गया या होना बाकी है तो और 5 मिनट एक्स्ट्रा बैठा दीजिएगा। और मैं बीच में एक बार देखा था और मेरा नहीं हुआ था, तो अभी देख रहा हूँ। तो ये देखिए पूरा क्लीन आ रही है ना, तो हमारा केक बन के रेडी हो गई है। थोड़ा उसको साइड में मैंने रख दिया था ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद अभी उसको निकाल रहा हूँ। एक नाइफ से ऐसे चारों ओर उसको थोड़ा सा कट कर लेंगे और इसके बाद एक प्लेट रख के उसको उल्टा कर देंगे। थोड़ा सा टैप करेंगे पीछे से और ये देखिए अभी मैं निकालूँगी। निकालने के बाद मैं अभी कट किया हूँ और ये देखिए कितनी अच्छी और स्पंजीदार जालीदार बनी है। आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। जो भी मैं आगे नया वीडियो डालूँगी नोटिफिकेशन पहले आपको आ जाएगी। तो अभी मैं अभी प्लेट में अभी सब कर रहा हूँ और ये देखिए कितनी अच्छी बनी है। एक काट करके आपको भी दिखा रही हूँ, ये देखिए। और जितनी इंग्रेडिएंट्स मैं लिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उधर से चेक कर लीजिएगा। और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा तो कैसे लगी आपको ये रेसिपी। कुछ भी जुगाड़ नहीं है, बन के रेडी हो गई है, तो चलिए बनाते हैं। बाय बाय।